के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। श्रद्धा मर्डर केस में आज दिल्ली पुलिस आफताब को फिर से कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस की कोशिश आफताब की तीसरी बार रिमांड लेने की रहेगी। सच्चाई की तह तक जाने के लिए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी जल्द कराए जाने की उम्मीद है। इस केस में अभी कई खुलासे होने बाकी है, तो ये बड़ा अपडेट, पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, दिल्ली पुलिस आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करेगी। इस बीच तीसरी बार आफताब की रिमांड लेने की भी कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से होगी। तो इस मामले में आज दिल्ली पुलिस आफताब को फिर से कोर्ट में पेश करेगी और पुलिस की कोशिश रहेगी कि आफताब की तीसरी बार रिमांड मिल पाए। तो बड़ी खबर यही है कि आफताब बोलेगा अब, क्योंकि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो पॉलीग्राफ ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टेस्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच साकेत कोर्ट में आज आफताब की पेशी होनी है और दिल्ली पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि तीसरी बार दिल्ली पुलिस को आफताब की रिमांड मिले। पॉलीग्राफ टेस्ट जल्द कराए जाने की यहां पर कोशिश है और उसके बाद फिर आफताब का नार्को टेस्ट होगा। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ इस मामले में तमाम अपडेट्स देने के लिए जुड़ गए हैं। साथ ही मुंबई से येशा कोटक भी हमारे साथ होंगी और साकेत कोर्ट से संवाददाता शिवम प्रताप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रमोद, आपका मैं रुख कर रही हूं, तो तीसरी बार दिल्ली पुलिस की कोशिश होगी कि रिमांड बढ़ाई जा सके, रिमांड मिल पाए दिल्ली पुलिस को तीसरी बार? बिल्कुल अदिति, पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि जो आफताब की जो 4 दिन की अब रिमांड बची हुई है उसको भी हासिल किया जाए, क्योंकि किसी भी आरोपी की 14 दिन की रिमांड ही पुलिस ले सकती है और इन 4 दिन के अंदर ही जो आलाय कत्ल, जो हथियार है जो उसने महरौली के जंगलों में फेंकने की बात करता है, और एक हथियार जो है आरिफ वो गुड़गांव के DLF फेज 3 के जंगलों में फेंकने की बात उसने बताई है। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला रही है, 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को इस सर्च ऑपरेशन में लगाया है, क्योंकि पुलिस को पता है उसके पास अब सिर्फ करीब 100 घंटे ही बचे हैं उसको रिमांड पे लेकर पूछने के लिए, और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशने हैं। मोबाइल फोन नहीं मिला है और साथ में कपड़े नहीं मिले हैं, कुछ शरीर के हिस्से हैं वो अभी भी पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। पुलिस ने एक नई तरीका स्ट्रेटजी अपनाई है कि उन्होंने हत्या जिस दिन हुई थी यानी कि 18 मई के बाद से 19 तारीख के बाद से आफताब की जितनी भी लोकेशन थी, मोबाइल लोकेशन थी, उसका एक रूट बनाया है कि वो कहाँ कहाँ गया था, तो उसी रूट के आधार पे जो है वो जांच की जाएगी कि उसने कहाँ पे जो है शरीर के टुकड़े फेंके होंगे, कहाँ हथियार फेंके होंगे। पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी अभी नहीं मिलेगी क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब पुलिस की कोशिश यही है कि जो महरौली के जंगल के आसपास के कूड़ा बीनने वाले हैं, चाहे जो गुरुग्राम के आसपास जहाँ जंगल है वहाँ के कूड़ा बीनने वाले, उनसे पूछताछ की जाएगी। जो टैक्सी चलती है जो जिस दिन, क्योंकि इसने हथियार फेंका, इसने बताया कि उस दिन ये मेट्रो से नहीं गया था, आमतौर पे अपने ऑफिस से मेट्रो से जाता था, लेकिन हथियार इसके पास था, इसके बैग में था, तो मेट्रो में चेकिंग में ये पकड़ा जा सकता था, इसीलिए इसने कैब बुक की थी, टैक्सी से ये गया था, तो टैक्सी वालों से भी पूछताछ करेगी। इसने पुलिस ने एक लंबी चौड़ी जो है वो जाँच टीम बनाई है, 14 से ज़्यादा टीमें हैं जो लगातार हर एंगल पे हर जगह पे तलाशी अभियान चला रही है। उसी जो रूट था, जो लोकेशन का रूट था, उसी में मैदानगढ़ी का वो तालाब भी आया था, इसीलिए उसकी भी तलाशी ली जा रही है। तो पूरे तरीके से टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी जो है पुलिस की टीम हथियार और जो शरीर के बाकी हिस्से हैं, मोबाइल फोन, ये तलाशने में जुटी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 4 दिन ही कोशिश यही की जा रही है कि हर कड़ी को जोड़ा जा सके। और अपने दर्शकों को बताते हैं कैसे दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि हर उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए ताकि आफताब से पूरी बात, पूरा सच कबूल करवाया जाए। तो झूठ पकड़ने के लिए किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें झूठ पकड़ने की टेक्निक क्या रहती है वो आप जानिए। जो सांस लेने की गति है उसे मॉनिटर किया जाता है, पल्स को, जो पल्स की स्पीड है
जो भी आरोपी होता है उसकी पल्स की स्पीड को मॉनिटर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। जब सवाल किए जा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कितना है, पसीना कितना आ रहा है, ये वो अहम मापदंड है जिनके जरिए ये पता किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या झूठ बोल रहा है। हाथ पैरों का मूवमेंट जवाब देते वक्त कैसा है, हार्ट रेट कितना है आरोपी का, इस पर भी नजर रखी जाती है। श्रद्धा मर्डर केस में आज पुलिस आफताब को कोर्ट में पेश कर तीसरी बार रिमांड लेने की कोशिश करेगी। दिल्ली पुलिस को आफताब की रिमांड इसलिए भी चाहिए क्योंकि आरोपी का अभी नार्को टेस्ट नहीं हो पाया है। आफताब ने दिल्ली पुलिस के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं और इसकी वजह से कई रहस्य अभी बने हुए हैं। शक ये भी है कि आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को अभी ऐसे ठोस सबूतों की तलाश है जिनके आधार पर आफताब को कोर्ट में गुनहगार साबित किया जा सके। ऐसे में दिल्ली पुलिस की उम्मीद नार्को टेस्ट पर टिकी हुई थी, लेकिन सोमवार को ये टेस्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को लेकर भी इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाला लिव इन पार्टनर आरोपी आफताब पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल भी कर चुका है। बावजूद इसके श्रद्धा मर्डर केस उलझता जा रहा है। जंगलों की खाक छानने के बाद पुलिस को अब तक 13 हड्डियां और जबड़े का हिस्सा मिला है। सभी सैंपल को जांच के लिए CFSL भेज दिया गया है। पुख्ता तौर पर ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। दूसरी ओर पुलिस कस्टडी में आफताब माइंड गेम खेल रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को एक और अहम सबूत हाथ लगा है। पुलिस को आफताब के घर से एक हथौड़ा बरामद हुआ है, लेकिन अब तक की तफ्तीश में ये साफ नहीं हुआ है कि कत्ल में इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं। आफताब के घर से कुछ बायोलॉजिकल सबूत भी हासिल हुए हैं। आफताब के घर से कुछ कंघे मिले हैं जिनमें बड़े बाल हैं। क्या ये श्रद्धा के हैं या किसी और के, ये FSL की जांच के बाद ही साफ होगा। आफताब के घर से कुछ टूथब्रश भी मिले हैं। अगर इन टूथब्रश को श्रद्धा ने इस्तेमाल किया होगा तो उसका लार उसमें मौजूद हो सकता है, जो DNA से मैच हो सकता है। घर से नाखून के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की जांच CBI से कराने की मांग वाली याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। याचिका में दिल्ली पुलिस पर जांच से जुड़ी अहम जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि मेहरौली थाना पुलिस के पास इतना स्टाफ और वैज्ञानिक उपकरण नहीं है जिनके जरिए वो 6 महीने बाद इस मामले के पर्दाफाश के लिए अहम सबूत और गवाह जुटा सके। CBI जांच की मांग कर रही है, भले ही एक याचिका लगी है, बहुत प्रोफेशनल मैनर में जो है दिल्ली पुलिस सर्च कर रही है, क्योंकि CBI के पास भी कोई ऐसे अलग से टूल्स नहीं है, ऐसे कोई मेथड नहीं है। वो भी जो है वो FSL की जगह CFSL का साइंटिस्टों का सहारा लेगी। केस जो है ब्लाइंड मर्डर केस है, इसमें कोई आई विटनेस नहीं है, कोई ऐसा सुराग नहीं है जिससे साबित कर सके। इस पूरे केस को सुलझाने के लिए, इसकी पूरे केस में कन्विक्शन दिलाने के लिए जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक एविडेंस है, वो ही काम आएंगे। और ऐसे में तमाम साइंटिफिक और डिजिटल एविडेंस को जो है वो पुलिस खंगाल रही है, उनको जुटा रही है, ताकि इस केस को मजबूती से कोर्ट में रखा जा सके। नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें, आज CBI जांच की याचिका पर सुनवाई होनी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के एक वकील ने ये याचिका दायर की है जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो CBI जांच की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या इस मामले की जांच CBI करे, इसे लेकर याचिका दायर की गई है जिस पर आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के एक वकील ने यह याचिका दायर की है और इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है कि क्या श्रद्धा मर्डर केस की जांच CBI को सौंप देनी चाहिए। यह ब्लाइंड मर्डर केस, क्या इसकी जांच CBI को सौंप देनी चाहिए, इसे लेकर यह याचिका दायर की गई है जिस पर आज सुनवाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट। तो CBI जांच की याचिका पर आज यह सुनवाई होनी है। और श्रद्धा मर्डर केस में अगले 100 घंटे पुलिस के लिए काफी अहम होने वाले हैं। 100 से ज्यादा पुलिस वाले 100 से ज्यादा सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकले हैं। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से गुरुग्राम के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाने वाली है। हथियार की तलाश में पुलिस ने 14 टीमें बनाई हैं। मेहरौली और गुरुग्राम में कूड़ा बीनने वालों से भी पूछताछ की जाएगी।
आफताब आरी को फेंकने के लिए कैप से गुरुग्राम गया था। यही वजह है कि गुरुग्राम के जंगलों में भी सबूतों को तलाश किया जाएगा। तो मेहरोली के जंगलों की तलाशी लगातार पुलिस कर रही है, क्योंकि मेहरोली के जंगलों में ही आफताब ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डाला था। और उसके बाद आफताब का ऐसा कहना है कि जिस आरी से उसने श्रद्धा का कत्ल किया, उस आरी को फेंकने के लिए वो कैप से गुरुग्राम गया था। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से येशा भी हमारे साथ है, साकेत कोर्ट से शिवम भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन दोनों से बात करें, उससे पहले प्रमोद ये एक बहुत अहम जानकारी कि गुरुग्राम के जंगलों में भी पुलिस तलाशी लेने वाली है, क्योंकि आरी को फेंकने के लिए कैब से गुरुग्राम गया था आफताब, ऐसा उसने रिमांड के दौरान बताया है। जी बिल्कुल, पुलिस को जो है आफताब ने पूछताछ के दौरान बताया था, क्योंकि उसने बॉडी पार्ट्स को एक लंबे अंतराल में जो है वो डिस्पोज ऑफ किया था। करीब 18 बार वो रात को निकला था, और उसके बाद उसने जो हथियार था, एक हथियार जो चापड़ था, वो जो 100 फुटा रोड है मेहरोली का, वहीं के बड़े बड़े ड्रम थे जो कूड़ा यहाँ पे था वहाँ डाल दिया था। जबकि आरी को वो लेकर एक अपने बैग में रखकर कैब से गया था, और जो गुरुग्राम का डीएलएफ फेज 3 के पास के जंगल है वहां पे उसे फेंक दिया था। पुलिस ने इससे पहले भी वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया है, लेकिन पुलिस को कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसीलिए पुलिस जो है कूड़ा बीनने वालों से भी बात कर रही है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए शिवम, हमारे साथ साकेत कोर्ट से जुड़े हैं। शिवम, आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस आफताब की रिमांड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपनी तरफ से अपील करेगी, और आज आफताब की यहाँ पेशी होनी है साकेत कोर्ट में, इसे लेकर क्या तैयारी? देखिए बिल्कुल, आज साकेत के जो दूसरी बार रिमांड मिली थी 5 दिनों की, वो आज खत्म हो रही है। कुल 2 बार पुलिस अब तक आफताब को साकेत कोर्ट में पेश कर चुकी है, 10वां दिन है आज। आज एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को पेश किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा का ये मामला है। इसके अलावा जिस तरीके की प्रोग्रेस पूरे इस मामले में हुई है, चाहे वो उत्तराखंड, हिमाचल, मुंबई में जो और गुरुग्राम जहां पर पुलिस की टीमें लगी हुई थी, वो सब चीजें आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस अपना जवाब रखेगी। 4 दिन की कस्टडी अब और ले सकते हैं, ऐसे में 4 दिन की कस्टडी पुलिस मांगेगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक चूंकि हथियार नहीं मिला है, श्रद्धा के सिर का अहम जो पार्ट्स हैं वो नहीं मिले हैं, ना मोबाइल मिला है, तो ये निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक मुश्किल समय है। चूंकि अब तक 10 दिन का समय बीत चुका है, सिर्फ 4 दिन की रिमांड और ली जा सकती है। आज साकेत कोर्ट में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए होंगे। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब 4 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था। आफताब ने अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए श्रद्धा के मोबाइल नंबरों का भी इस्तेमाल किया। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने एक बड़ा जब फ्रिज खरीदा, उस वक्त श्रद्धा का मोबाइल नंबर ही दिया था। रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा सबूत आफताब का मोबाइल नंबर हो सकता है। अभी तक बात सामने आई थी कि आफताब केवल 2 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में जी मीडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि आफताब के 4 मोबाइल नंबरों का पता लगा लिया गया है। आइए हम आपको आफताब से जुड़े मोबाइल नंबर की हर एक डिटेल बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक आफताब 2 नहीं बल्कि 4 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा था। सोशल मीडिया के लिए आफताब 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था, जबकि पैकेट्स एंड मूवर्स से सामान मंगवाने के लिए आफताब ने अलग फोन नंबर दिया था। आफताब ने फ्रिज मंगवाने के लिए श्रद्धा के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था। इसी तरह श्रद्धा के फेसबुक अकाउंट की जांच करने पर जी न्यूज को पता चला कि श्रद्धा के अकाउंट से भी 2 नंबर जुड़े हुए हैं, जिनसे उसका फेसबुक ऑपरेट होता था। इस तरह मामले के तथ्यों पर और आफताब की मॉडस ऑपरेंडी पर अगर नजर डालें, तो आफताब के कब्जे में कुल मिलाकर कम से कम 4 मोबाइल नंबर थे। इस बीच श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जो आफताब के आपराधिक चरित्र और उसकी बेरहमी को बयां करता है। सूत्रों के मुताबिक आफताब श्रद्धा पर मांसाहारी खाना खाने का दबाव बनाता था। नॉनवेज नहीं खाने पर आफताब श्रद्धा को बुरी तरह मारता पीटता था। इतना ही नहीं, मांसाहार से परहेज करने पर श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। श्रद्धा को जानने वाली पूनम ने भी दिल्ली पुलिस को दी गई गवाही में इस बात का जिक्र किया है कि वो मेरे पास नवंबर में आई थी 2020 में। उसको उसका जो लड़का है जिसके साथ वो रहती थी आफताब, उसने बहुत मारा था। पूछा उनको कि क्यों मारता है, तो बोले कि वो मुझे जबरदस्ती नॉनवेज खिलाता है, हम अलग अलग रिलीजन के हैं और मुझे वो सब मतलब मैं नहीं खाती हूँ, तो जबरदस्ती खिलाता है और मारता है, और कभी भी उसको गुस्सा आता है मुझे बहुत मारता है और फिर घर पे नहीं आता है,
उसके मम्मी पापा आके मुझे समझाते हैं कि वो दोबारा नहीं करेगा, वो फिर बार बार वही करता है, जब उसको गुस्सा आता है मुझे मारता है। देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब की आज कोर्ट में पेशी है। इसके अलावा पुलिस को जांच में जो हड्डियां मिली हैं, उनके डीएनए को श्रद्धा के परिवार के डीएनए के साथ मैच कराया जाएगा। माना जा रहा है कि श्रद्धा के डीएनए रिपोर्ट आने में तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। वरुण भसिन, नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आरोपी आफताब की आज कस्टडी खत्म हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में आफताब को पेश किया जाएगा। ये अहम खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अब तक दो बार आरोपी को पेश कर 10 दिन की कस्टडी ले चुकी है और आज पुलिस कस्टडी में आफताब का 10वां दिन है। किसी भी केस में जेल भेजने से पहले आरोपी को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है, लिहाजा पुलिस के पास 4 दिन और है। आज पुलिस फिर से आफताब की कस्टडी की मांग करेगी और उसके पीछे वजह यह है कि अब तक वारदात का जो हथियार है, जो इस्तेमाल किया गया था, वो नहीं मिला है। श्रद्धा के सर का हिस्सा नहीं मिला है, बॉडी के कुछ और अहम पार्ट्स नहीं मिले हैं, वारदात में शामिल कपड़े नहीं मिले हैं और श्रद्धा का फोन नहीं मिला है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से येशा कोटक भी हमारे साथ जुड़ गई है। येशा, मुंबई में भी एक जो सबसे बड़ा यहां पर एक कड़ी जो जोड़ने वाली है आफताब को श्रद्धा के इस मर्डर से, वो है आफताब का परिवार, और परिवार अभी तक गायब है। जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जैसे आपने कहा महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि दो ऐसी कड़िया है जो आफताब के इस पूरे प्लानिंग का हिस्सा थी और इससे कुछ बातें सामने आ सकती थी। एक है आफताब का परिवार, दूसरा है श्रद्धा का मोबाइल फोन। ऐसा कहा जा रहा है कि आफताब ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि जब वो महाराष्ट्र 2-3 बार आया था श्रद्धा के मदर के बाद, तभी उसने श्रद्धा का जो मोबाइल फोन है वो यहीं फेंक दिया था। इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस, क्योंकि यहाँ पे है तो इसके चलते दिल्ली पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल फोन भी ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस मोबाइल फोन से उसने श्रद्धा के दोस्तों को मैसेज किया था। यहाँ तक कि श्रद्धा के एक दोस्त ने एक्सक्लूसिवली जी न्यूज से बात करते हुए ये भी कहा था कि श्रद्धा के पास ऐसा एक वीडियो था जिससे वो खुद को बचा सकती थी आफताब से। तो ऐसा क्या वीडियो था, उसका क्या सीक्रेट था, ये समझना जरूरी हो जाता है। उसके अलावा आफताब का परिवार जो पिछले 20 दिनों से किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि जब श्रद्धा के मौत की बात सामने आई उसके पहले से ही वो लोग अपने वसई का घर छोड़ के मीरा रोड चले गए हैं, तो क्या उन्हें इस बात के बारे में पता था कि आफताब ने जी तो आफताब का परिवार और श्रद्धा का मोबाइल फोन, ये दो चीजें हैं जो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर तलाश करने की कोशिश कर रही है और आफताब के परिवार से लगातार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।